उत्तर प्रदेश का पहला भोजपुरी ओपन माइक कार्यक्रम रविवार को एक निजी होटल में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा के नामवर लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की संयोजक आकृति विज्ञा अर्पण ने बताया कि भोजपुरी ओपन माइक को आयोजित करने का उद्देश्य भोजपुरी में फैली अश्लीलता को खत्म करना तथा उसकी असली पहचान को उजागर करना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और कलाकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम की संयोजक आकृति विज्ञा अर्पण ने कहा, भोजपुरियन के मन में मधुर स्वभाव, भोजपुरियन के मन में मधुर स्वभाव रहल कहो ना आग ले हिंदी से टकराओ। मदई के पहचान दूसर भाषा ले सकी, कबो ना होकर स्थान दूसर भाषा ले सकी ना होकर स्थान। देखो बेन रचना बा जैसन कर आजकल भोजपुरी में गीत चलत बा, अब भोजपुरी के जयचंद भोजपुरी के जयचंद जी माला हम पहिराए रहुआ जितने बाहर जाने देखिए भोजपुरी कल से अलग कार्यक्रम में भी देखा। मैं आकृति विज्ञापन द राइटर थड्डा की संयोजिका और संचालिका हूँ। मैं फ्रलान थैंकर। सर आज द राइटर थड्डा और सामर्थ एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित है जिसका थीम है पूरबिया और इसका नाम है कहब तलाक जय धक से। इस कार्यक्रम में भोजपुरी की 18 से 20 विधाओं के कलाकार एक मंच पर लाए गए हैं। भोजपुरी की वो संस्कृति जो पीछे छूट गई थी उसको एक मंच पर लाया गया है और आज कलाकार गायक लेखक और थिएटर आर्टिस्ट अलग अलग तरह के सभी एक मंच पर आके अपनी प्रतिभा का प्रतिभाग कर रहे हैं। यह कार्यक्रम अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि गोरखपुर में पहली बार है जब युवा इतनी सारी विधाओं को लेके एक मंच पर आए हैं। और अन्य ओपन माइक से अलग इसलिए है क्योंकि राइटर थड्डा और सामर्थ्य कोई भी पैसा नहीं लेते परफॉर्मर से। द राइटर थड्डा युवाओं का क्रिएटिव ग्रुप है और सामर्थ्य एनजीओ एक ऐसा ग्रुप है जो अलग अलग लोगों को जो इनके पास क्षमताएँ कम हैं उन्हें उनके क्षमताओं का आभास दिलाता है, जैसे खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देना, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटना, ऐसे पहल करते रहते हैं। तो हम युवाओं के ये दो ग्रुप ने मिलकर भोजपुरी में एक नया कार्यक्रम किया है और इन निसंदेह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है।